मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और अभी सो के उठे हैं, तैयार हो चुके हैं। यहाँ से सीधा हम जाएंगे अटल टनल, और अटल टनल से आगे हम कोशिश करेंगे शिशु तक जाने के लिए। और वहाँ से हमें आना जाना भी करना है, वापस हमें होटल भी वापस आना है। अभी तो 3 घंटा 4 घंटा, मतलब आना 1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा जाने जाने का। आना जाना ये लगा लो 3 घंटा, और वहाँ पर घूमने घामने मतलब 4-5 घंटे लगा लो, तो मतलब हमें रात हो ही जाएगी आते आते होटल में। तो अभी निकलते हैं यहाँ से फिर। और यहाँ पर रास्ते में जाते जाते स्नो ड्रेस बड़े किराए पर मिल रहे हैं यहाँ ना, क्योंकि जो भी वहाँ अटल टनल से पार उधर जाता है, वहाँ पर उनको बर्फ़ में खेलने के लिए यहाँ से स्नो ड्रेस अपने साथ लेके जाता है। अभी पता नहीं कितनी स्नो होगी, क्योंकि अभी तो गिरी नहीं है, जो पहले की गिरी थी वही अभी थोड़ी नज़र आएगी। ये देखो सामने सामने किराए पर दे रहे हैं, ये सारे स्नो ड्रेस हैं, ये सारे जो है सब जगह दुकानों में यही मिल रहे हैं किराए पे। तो यहाँ पर लोग किराए पे दे के भी काफी कमा लेते हैं इन चीजों से। आपको यहाँ पर लंबे वाले शूज जो स्नो के होते हैं वो, और ये पूरा आपको स्नो के लिए पूरा कवर ड्रेस पूरा मिल जाता है एकदम ही ऊपर से लेके नीचे तक का। जगह जगह आपको मिल जाएगा, हर दुकान में नजर आ रही है लटकी हुई। लोग तो यहाँ से पहन के जा रहे हैं। मतलब इस रास्ते में आपको काफी कुछ देखने को मिल जाता है। ये अटल टनल के रास्ते में जीप लाइन वगैरह, आपको स्नो ड्रेस वगैरह। ये देखो एक जीप लाइन ये भी जा रही है इधर से, यहाँ से अभी कोई गया नहीं है, नहीं तो अभी दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर लाइन में लगे हुए लोग। हाँ ठीक है ठीक है, चल चल है ना। ओके सोलंग वैली है ये। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सोलंग वैली, और देख सकते हैं यहाँ पर सारा किस तरीके से दुकानें लगी हुई थी, और यहाँ पर एक ग्राउंड सा बना हुआ है इधर। और काफी चेंज हो गई है, हाँ पहले से बहुत चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो चुका है। और सामने की पहाड़ मस्त नजर आ रही है इस वक्त। अब यहाँ से देखो बर्फ गिरी हुई नजर आ रही है ना यहाँ पर, ये बहुत ही पुरानी बर्फ है ये जो साइड साइड में रखी हुई है, जो बर्फ है काफी टाइम पहले गिरी थी ये बर्फ, और अभी तक ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ धूप पड़ती नहीं है इस वजह से पिघली नहीं, जो थोड़ी बहुत पिघल के थोड़ी अभी भी बची हुई है। और यहाँ जूते और कपड़े अभी भी यहाँ देखो जगह जगह मिल जाएंगे आपको किराए में लेने के लिए। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की है सारी बनी हुई जो है, ये बढ़िया बना दिया ये बीआरओ वालों ने ना, बहुत अच्छा रोड बनाया हुआ। अभी एक टनल और छोटा सा रोड बनाया, देखने की कहीं रास्ता। और
यार कितनी जाम लगी पड़ी है, क्या है ये, पार्किंग है, जाम लगा हुआ है, पार्किंग की हुई है गाड़ियाँ। अच्छा यहाँ भी वही, ये सबको दिखाई नहीं तो अच्छी तरह से, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं उधर। स्कूटर वगैरह यहाँ पर इनका सबका कितना बिजनेस चला होगा, पूरी जाम कर दिया रोड। टैक्सी वाले भी ठीक है, वो भी इनको यही से बोलते थे कि देखो पहले यही से ले जाओ ड्रेस, फिर ऊपर नहीं मिलेगा यहाँ से, यही ठीक मिलेगा। हाँ वही तो है ना, अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। मेरा 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 फिर दुकान वाले बोले मेरा कितना कमीशन दे देना, मैं ही लाएगा ना, जब मैं गाड़ी लाएगा तो मेरे को इतना कमीशन दे देना। तो पहुंच चुके हम लोग अटल टनल, और पहुंच चुके हम अटल टनल रोहतांग। आप देख रहे हैं सामने गेट नजर आ रहा होगा अटल टनल का, और अटल टनल के बारे में कौन नहीं जानता, जब से बना है तब से यहाँ पर लोगों की भीड़ वैसे ही मौजूद रहती है। और देख रहे हैं अभी भी कितने लोग फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पर, वीडियोस बनाने में भी काफ़ी मशगूल हैं लोग। तो सबसे पहले टूरिस्ट जितने भी आते हैं अपनी गाड़ी खड़ी करके यहाँ पर फोटोग्राफी करना नहीं भूलते कि हम अटल टनल पहुँचे हैं ये करके, और हमें भी अच्छा लग रहा है अटल टनल जब से बना है, पहली बार मैं भी पहुँचा हूँ। टनल पार कर चुके हैं हम लोग, और ये बाहर निकलते कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है, एकदम खुला। अभी साइड में खड़ी करते हैं, अभी मैंने पुलिस वाले से 2 मिनट के लिए बोला है, तो 2 मिनट अभी ज़रा यहाँ पर फोटोग्राफी भी कर लेंगे। और देख सकते हैं यहाँ से पहाड़ी जो है बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, बहुत ही ज़्यादा टनल मेरा सामने टनल क्रॉस करते ही साथ ही पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी, बहुत ही सुंदर लग रहा है इस वक्त। चलते हैं यहाँ से आगे, चलते हैं, ज़्यादा देर यहाँ खड़ा नहीं हो सकते, 2 मिनट का टाइम लिया था मैंने, तो आगे चलते हैं। तो ये तो जाते फिर उधर गाड़ी पार करके पैदल इधर आ जाएंगे, 10 मिनट के और क्या होगा। और यहाँ से आ गया लोहा पुल, टनल पार करते ही लोहा पुल सामने ही नजर आ रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे हम लोग अभी। बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, इस जगह आने के लिए तो लोग लालायित रहते हैं हमेशा। यहाँ से ले 396 है, जाएंगे फिर कभी जाएंगे, अभी तो टाइम नहीं है हमारे पास।
यहाँ पर वो जो चले जाएगा वो ककसर, कक्स क्या बोलते हैं, कोक्सर। अभी हम जा रहे हैं शिशु, यहाँ से खड़े होके बना लो गाड़ी पार्क, ऐसी पार्किंग है, बना लो कहीं पार्क करके थोड़ा सा बना लो, तो आगे पार्किंग देखो ना थोड़ा थोड़ा थोड़ा। यहाँ के नज़ारे अलग हैं बिल्कुल, नीचे बहती नदी और ऊपर बर्फ जमी हुई के बाद पहाड़ों में। अभी थोड़ा और आगे जाते हैं, शीशु तक जाते हैं और थोड़ा ज़्यादा वेट नहीं करते यहाँ। ये देखो भाई साहब नज़ारे, इसको कहते हैं नज़ारे नज़ारे। रास्ते में आते आते अभी एक वाटरफॉल दिखा, जो वाटरफॉल पूरा बर्फ जो है बन चुका है। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से एकदम नोकिले नोकिले से बर्फ निकले हुए हैं। ये देखो है ना, मम्मी दिखाते ना मर्डर करने के लिए बर्फ का। तो अभी हम लोग आ गए हैं नीचे और देख सकते हैं ये हेलीपैड है और ये देख सकते हैं ये सामने जीप लाइन। दिखाता हूँ अभी किस तरीके से ये इधर से उधर क्रॉस करते हैं। ये देखो ये एक बंदा आ भी रहा है उसमें जीप लाइन से। तो ये है जीप लाइन, ये दो ये जा रहे हैं अभी। उस किनारे तक जाएंगे फिर उस किनारे से फिर वापस इधर वापस खींच लेंगे इसको। तो ये देख सकते हो लिखा हुआ सामने एच हेलीपैड और ये सामने गाड़ी है हमारी खड़ी। बस यहीं अपने लगे हुए, अभी थोड़ा सा कॉफ़ी या चाय कुछ भी है और थोड़ा सा नूडल्स वगैरह बनाते हैं और देखते हैं कुछ ब्रेड स्लाइस वगैरह करते हैं कुछ। तो अभी वही चल रहा है हमारा, लंच की तैयारी चल रही है, फिर उसके बाद खा पी के यहाँ से फिर वापस ही हम चल देंगे मनाली की तरफ। टाइम होता तो और आगे जाते, अब टाइम भी कम है ना हमारे पास, उसके और आगे जाना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि टाइम से पहुँच जाए तो अच्छा है। तो
थोड़ा मनाली में और मार्केट वार्केट कर लेंगे, थोड़ा सा मार्केटिंग भी करनी है। कल तो घूम ही रहे थे ऐसे ही, थोड़ा हल्का फुल्का दो तीन सामान ही लिया था, अभी थोड़ी हल्की फुल्की मार्केटिंग और करनी थी, शॉपिंग वगैरह। और चलते हैं यहाँ से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी हल्का फुल्का खा लिया है, फिर थोड़ी देर में खाना बना के खाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से। पता नहीं आना करके फिर भी पहुँच गया नदी के पास, ऐसे लालच आ जाता ना कि चलते हैं नदी में। और यहाँ पर अभी देख सकते हैं पानी में कि बर्फ जमा पड़ा हुआ ही है, तो समझ सकते हो कि यहाँ कितनी माइनस डिग्री में रहता होगा तापमान। इस टाइम अभी धूप है तो थोड़ा सा ये वैसा पिघल गया हल्का फुल्का, फिर भी बर्फ अभी भी है यहाँ पर साल साइड में। तो रात के वक्त ये जमना शुरू हो जाता, सवेरे तक तो पूरा जम जाता है यहाँ पर ऊपर ऊपर से जो बर्फ है ना। अभी दिखाता हूँ बर्फ नीचे आपको, ये देख सकते हो ये सारी बर्फ, ये देखो ये बर्फ है सारी, ये ये देखो बर्फ जमी हुई है सारी। किचन सारा पैक और निकलने की तैयारी है, थोड़ा सा अभी हवा चेक कर लेते हैं। पानी मैंने डाल दिया, वाइपर में पानी जरूरत रहती है क्योंकि गंदगी बहुत उठती है। बाकी चलने की सारी तैयारी हो चुकी है, अब थोड़ा हवा चेक कर लेते हैं। आई लव लाहौल। तो दोस्तों हमारी हो चुकी है अपनी पिकनिक और हम लोग यहाँ शीशु तक आए थे, अभी शीशु हेलीपैड में खड़े हैं। यहाँ पर हमने अपना किचन विचन सब कुछ करके खा पी के जितना फ़ोटो करनी थी कर ली, वीडियो बनानी थी घूमना था घूम लिया। लगभग हम लोग यहाँ पर 2 से 2.5 घंटा हम लोगों ने अपना यहाँ पर एक्सपेंड किया और अब निकलने का टाइम आ चुका है। सीधा यहाँ से निकलते हैं मनाली, तो फिर सफ़र शुरू करते हैं। और वीडियो भी मेरे को लगता है कि ज़्यादा लंबी हो रही है, इसको यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है ना, बुरे हालत है इधर, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है। निकलते हैं यार, ज़्यादा मिट्टी नहीं खानी। आ जाओ।